वेलकम टू इन्फोटेक हब। आइए आज हम सीखेंगे कि अपने पेन ड्राइव को या अपने हार्ड डिस्क को प्रोटेक्ट किस तरह किया जा सकता है, यानी अपने हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या अपना ड्राइव जो भी है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि उसका डेटा लोगों को शेयर ना हो। तो उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला है कि आप राइट क्लिक करके उसे एक ऑप्शन दे सकते हैं, जो भी आपको पेन ड्राइव दिखाई दे रहा है उस पेन ड्राइव को अनलॉक कर सकते हैं विंडो के थ्रू, विंडो 7 के थ्रू। लेकिन उसमें यह होता है कि डेटा लॉक बताता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पेन ड्राइव है जिसको विंडो से लॉक किया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। अब लॉक करने के बाद में हम ये इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर अनलॉक की मांगेगा, तो अनलॉक की तो हमें नहीं डालनी है। ये इसके विंडोज़ की जो टिप्स है वो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अपना एक अनलॉक पेन ड्राइव जो लॉक नहीं है उस पेन ड्राइव को अंदर का डेटा हमें लोगों को शेयर नहीं करना है। यह कुछ प्रोटेक्टेड डेटा है और प्रोटेक्टेड डेटा ऐसा है जिसको हमें हाइड करना है या ऐसे छिपा के रखना है। तो इसका एक सिंपल वे है कि राइट क्लिक करके उस फोल्डर पर प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, फोल्डर पर राइट क्लिक करके हिडन बोल के हाइड कर देंगे, अप्लाई करके ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे तो वो जो आपका जो डेटा है, ये जो ऑडिट नाम की फाइल है, ये हाइड होगी। अब ये हाइड फाइल विंडोज़ में हाइड है तो इसके लिए ये हिडन ऑप्शन हमें स्टार्ट रखना है। तो ये आपका जो ऑडिट नाम का फाइल था, फोल्डर था, वो हाइड हो गया। लेकिन इससे कोई भी जो है, जो कंप्यूटर से थोड़ा बहुत जानकारी है जैसे कंप्यूटर की, वो इससे इस हाइड को ओपन कर सकता है। वो ओपन करेगा कि आपका जो भी व्यू मेनू है, फोल्डर ऑप्शन पे जाकर व्यू में जाकर शो हिडन फोल्डर और ओके कहेगा तो आपका ऑडिट नाम का जो फाइल है वो आप फोल्डर है वो उसको दिखने लगेगा। लेकिन हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है ताकि आपका डेटा भी सेव रहे और जो है वो आप उसके अंदर में दूसरा डेटा भी ऐड करने के बाद जो नया डेटा है वो दिखने लगे, लेकिन पुराना डेटा सिर्फ आपके लॉक में रहे। उसके लिए हमें यूज़ करना है डॉस कमांड। सबसे पहले हमें विंडोज़ यानी कीबोर्ड में का विंडो बटन और आर बटन प्रेस करना है और जब ये विंडो रन का विंडो स्टार्ट हुआ उसमें लिखना है CMD और इंटर प्रेस करेंगे। सब CMD लिखने के बाद इंटर जब प्रेस किया तो डॉस कमांड स्टार्ट हो गया। उस डॉस कमांड पे आपका जो पाथ है, जो ड्राइव है, उस वो लिखेंगे हम K:, एंटर प्रेस करें। वहाँ पर लिखना है AttRIB स्पेस देंगे, उसके बाद लिखना है -S स्पेस -H स्पेस स्पेस, उसके बाद में -R स्पेस /S प्लस लिखेंगे हम यहाँ पे +S space +R space /S space /D और इंटर प्रेस कर देंगे। जब हमने इंटर प्रेस किया तो आपका जो डेटा है वो हाइड हो जाएगा, हिडन एट्रिब हो जाएगा। वो डॉस के थ्रू जो डेटा एट्रिब हुआ तो वो डेटा को विंडो के थ्रू नहीं हम देख सकते, उसके लिए डॉस कमांड ही यूज़ करना पड़ेगा और उस डॉस कमांड का यूज़ किए बगैर हम डेटा नहीं देख सकते। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सेस डिनाइटेड, ये एक फ़ाइल जो है ये एक वायरस की फ़ाइल है जो आपको वर्क नहीं करने देंगी। लेकिन यहाँ पे जो डेटा हमारा जो वर्क था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो डॉस कमांड है काम करने लगा। यहाँ पे हम एग्ज़िट कर देंगे, ये XIT इंटरप्रेस करेंगे और जब हम पेन ड्राइव पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम इसकी प्रॉपर्टी अगर चेक करते हैं तो प्रॉपर्टी में हमको दिखेगा कि 3733 MB का डेटा इसके अंदर अवेलेबल है जो दिख नहीं रहा। लेकिन इसे अगर फोल्डर ऑप्शन के थ्रू, विंडो के फोल्डर ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं तो ये डेटा हमको शो करने के बाद भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है ये एक तरीके का एक ऐसा कमांड है जिसे वायरस का भी कमांड कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे जो भी डेटा है इसको प्रोटेक्ट करने के काफ़ी काम में आता है। अब यही कमांड हम इसका डेटा हमको देखना है तो ये जनरल जो कंप्यूटर यूज़र है वो देख नहीं पाएंगे, इसके लिए कंप्यूटर का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले हम इस डेटा को फिर से रिकॉल करना है, तो रिकॉल करने के लिए सबसे पहले हमें करना है कि हम फिर से डॉस पे जाएंगे, सी एम डी लिखकर एंटर प्रेस करेंगे, और आपका जो ड्राइव है के लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करने के बाद में जो है वहाँ पे हमें फिर से वही कमांड लिखना है, ए डबल टी आर आई बी स्पेस, वहाँ हमें प्लस की जगह माइनस लिखना है, माइनस एस स्पेस माइनस एच स्पेस माइनस आर स्पेस स्लैश एस स्पेस स्लैश डी, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका जो डेटा प्रोटेक्ट किया हुआ था, जो डेटा हाइड किया हुआ था, जो विंडो के थ्रू नहीं दिख रहा था, डॉस के थ्रू हम उसे रिकॉल कर सकते हैं। ये जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये जो आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ये इन्फोटेक हब का है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की टिप आप दूसरों को भी बता सकें कि इन्फोटेक हब जो चैनल है वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये काफ़ी काम की है। जैसा अब हम इसे एग्ज़िट कर देंगे, और एग्ज़िट करने के बाद जब हम ड्राइव पे जाएंगे तो आपका जो डेटा है वो रिकॉल हो चुका है, यानी वो आपको दिखने लगेगा। आप यहाँ से आपका डेटा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इसे सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। थैंक यू।